आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी पहली बार आपके सामने हाजिर हूँ अपने मंदिर के सामने। हाँ जी, जो कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि मंदिर का काम जो है इन प्रोग्रेस में है, जब पूर्ण हो जाएगा संपूर्ण हो जाएगा तो आपको ज़रूर दर्शन करवाऊंगी और उसका टूर करवाऊंगी, सब दिखाऊंगी, सब दर्शन करवाऊंगी। तो आज वो शुभ दिन फाइनल हो गया है, सारी चीज़ें आ गई हैं, प्रॉपर बन गया है। तो देखो, पूर्ण तो कभी नहीं होता, भगवान की भी लीलाएं कभी पूर्ण नहीं होती, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज कथा समाप्त हो गई या कुछ या पूर्ण हो गई, लेकिन क्योंकि भगवान अनंत है तो उनकी लीलाएं और उनकी कथाएं भी, सब चीज़ उनकी अनंत है, प्रेम भी अनंत है। ऐसे ही कार्य तो इनमें संपूर्ण जीवन जब तक है चलते ही रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी पूर्ण नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जितना अब तक के लिए सोचा था वो पूर्ण हो गया है, तो वो आज मैं दिखाने के लिए आज मैंने वीडियो जो सोचा, आज टाइम मिला है बनाने का तो आज बना रही हूँ। ठीक, मैं आज मंदिर में खड़ी हूँ अपने, ये मेरे ठाकुर जी हैं। आज एकादशी है और रुथनी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये एकादशी पर पीले वस्त्र धारण करे हैं ठाकुर जी ने। ये मंदिर है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको अभी सारा एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ क्यों लगाई है, कि लगाने के पीछे विषय क्या, मेरा मकसद है लगाने के पीछे का कारण क्या है, सब बताऊंगी। और कुछ चीज़ें मेरे पास बहुत पहले से भी थी, कुछ चीज़ें अभी अभी के अभी लेके आई हूँ, तो उन सब के बारे में आज दिखाऊंगी। और कैसा लगा मंदिर ज़रूर कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। और बाकी शॉर्ट्स में तो आप देखते ही रहते हैं इनका, जो रोज़ के जो दर्शन है जो उसमें अलग अलग बड़ा ही मनमोहक होते हैं, वो वीडियोज़ मैं खुद ही देखती रह जाती हूँ, तो वो तो आप देखते ही हैं। बाकी अलग से आज ये इस वीडियो में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं टूर, क्या क्या है इस मंदिर में, मेरे पास क्या क्या रखा है, क्यों रखा है, इन सब के बारे में। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं ठाकुर जी से संबंधित उनकी लीलाओं से, उनकी कथाओं से और उनके समस्याओं से रिलेटेड, उनकी सेवा से, उनकी सेवा में जो जो हमें प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन्स आती हैं, उन सबको मैं दूर करती रहती हूँ। जो जो आपके क्वेश्चन हैं, आपके कन्फ्यूजन है मन में, वो आपके उसको लेकर के वीडियो बनाती हूँ और उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पता नहीं चलता कब कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए, है ना। और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठीक है। चलिए अब शुरू कर दें आज का। देखिए, एक बार आप संपूर्ण मंदिर के एक बार पूरे दर्शन कर लीजिए दूर से, सारे मंदिर के, संपूर्ण मंदिर के एक साथ पहले दूर से एक नज़र मार लीजिए, देख लीजिए कैसा है क्या है, फिर एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में भी बताऊँगी क्या क्या है, कैसे कैसे है, सबके बारे में बताऊँगी क्यों 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 रखा हुआ है। और डेकोरेशन के लिए अभी थोड़ा स्पेस छोड़ा है, अभी कहीं कहीं दीवार खाली लगेगी आपको, एकदम घिचपिच नहीं मचाई मैंने सारी अभी, क्योंकि अभी थोड़ा ना, अगर जब फेस्टिवल पर कुछ करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट नहीं लगेगा, फिर अगर अभी सब कुछ सारा कर देंगे तो थोड़ा स्पेशल ओकेजन पे करने के लिए थोड़ा अभी गुंजाइश छोड़ दी। ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ एक एक चीज़ क्या क्या है। ये तो इनके ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, इनमें मैं इनके कड़े रखती हूँ ठाकुर जी के। और ये इसमें जो है ये बॉक्स है, इसमें ठाकुर जी की वैसी मालाएं हैं और कुछ उनके पैसे हैं, जो वैसी मालाएं जो ख़राब हो जाती हैं वैसे रखने से। और ये भी ठाकुर जी का ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें भी उनकी मालाएं हैं। और ये कुछ किताबें हैं, कल मैंने यहीं रख दी ठाकुर जी से संबंधित जो मैं पढ़ा करती थी। और ये जो है ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी ऐसी है, इसमें कुछ स्टोरेज का भी सामान मैं रख सकती हूँ। इसमें ठाकुर जी के इत्र और ये फूल, ये चढ़ाने वाले रोज, छोटे ठाकुर जी की मालाएं इसमें रखी हुई हैं मैंने। ये बैलगाड़ी से संबोधन है नरसिंह जी का, अभी दिखाऊंगी। नरसिंह जी का जो भात भरने आए थे उनकी मदद करने के लिए ठाकुर जी उसमें बैलगाड़ी में बैठ कर आए थे, तो उसी से संबंधित है इसलिए मैंने लगाया बैलगाड़ी लेकर आए थे। और इसके बाद हैं यहाँ पर छोटे ठाकुर जी जो एक सब्सक्राइबर के दिए हुए हैं ये, और यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं अपने गुरुजन की फोटो, स्थापना इनके बिना मंदिर कुछ भी नहीं है। ये देव ऋषि नारद जी हैं, प्रणाम। ये हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी हैं, प्रणाम।
यह श्री श्री राधा बाबा सरकार हैं, प्रणाम। और ये हमारे गुरुदेव श्री नरेश भैया जी हैं, प्रणाम। अब आगे चलते हैं। ये जो आदमी है बड़ा, ये नरसिंह जी को रिप्रेजेंट करता है, नरसिंह मेहता जी, जो ठाकुर जी के भक्त हैं बहुत, जिनका भात अब तक भी बहुत बहुत पॉपुलर हुआ, जिनका भात भरा था ठाकुर जी ने खुद आके बैलगाड़ी में आके, ये वो हैं। इसके बाद ये छोटा सा हिरन जो आराम से सो रहा है ठाकुर जी के चरणों की ठंडक ले रहा है, आनंद में मग्न है, सो रहा है। ये रहा एक पेड़। इसके बाद आते हैं हमारे ये ठाकुर जी। आज एकादशी है, एकादशी के दर्शन कर लीजिए। येलो कपड़े, ये रहे। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये है गोपी, हमारी छोटी सी, पानी भरने आती हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगी थी मुझे। और इसके बाद है ये नीलकंठ जी। इसके बाद है ये गैया अपने बछड़े के साथ, छोटे से ये अलग हो जाते हैं। बहुत सारी गायें देखी मैंने, लेकिन ये सबसे अच्छी लगी, जो बिल्कुल अलग थी, नीचे कोई बेस भी नहीं था, और ये बछड़ा अलग, बहुत ही खूबसूरत कामधेनु गाय। और ये दूसरा हिरन है, यहाँ बैठा हुआ है, और उधर वृक्ष। और इसके बाद आती है हमारी, यहाँ पर मीरा जी का अलग स्थान है झूले में यहाँ, और ये हैंगिंग है, ये लाइट है, बस ये है अपना।